सो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपनी एंड्रॉइड टीवी पर। और सबसे पहले जो मैं चीज़ बताऊंगा ना, वो आपको प्रॉपरली करनी पड़ेगी, तभी आपका जियो टीवी अच्छे से फाइन वर्क करेगा, और ना आपकी कुछ बफरिंग आएगी या कुछ आपका जियो टीवी चलेगा नहीं अगर आप ये वीडियो सही से नहीं देखोगे तब। तो दोस्तों, सबसे पहले अपना जो फर्स्ट काम रहता है वो रहता है अपना वाईफाई कनेक्ट करना। तो सबसे पहले आपको ना एक अच्छे इंटरनेट से वाईफाई कनेक्ट कर लेना होगा अपने टीवी का। उसके बाद आपको प्ले स्टोर खोल लेना होगा अपने एंड्रॉइड टीवी में। आपके पास अगर कोई भी स्टोर है तो उसे ओपन कर लेना। और आपको ना, मेरे एक जो मेन पर्पज़ के लिए मैं अभी खोल रहा हूँ, मेरा आज थोड़ा वैसे इंटरनेट वीक चल रहा है, पर इतना वीक नहीं चल रहा है, अभी आ जाएगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आपको कोई सा भी डाउनलोड करना होगा अपना एक ब्राउज़र, जिससे आप ये कुछ ऐप्स इंस्टॉल कर पाए। तो इसके लिए मैं जो मैं न्यू ऐप ट्राई करते रहता हूँ, तो एक फायर डाउन वीडियो डाउनलोडर एक जो ऐप आया है, तो मैंने अभी वो यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है कि अगर जब हम माउस कनेक्ट करते हैं तो हमारा एंड्रॉइड टीवी का कीबोर्ड ऑन नहीं होता है, तो मैं आपको वैसे करके दिखा देता हूँ कि कौन सा ऐप है वो। ये फायर डाउन का तुम लोगो देख सकते हो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम बैक आ जाते हैं सिंपली। काफ़ी सही ऐप है, अब देखो। वैसे मुझे जो इसका नाम है उसके हिसाब से इसका काम नहीं लगता है, बस केवल डाउनलोड करने के लिए है कोई भी चीज़। ये तो यहाँ पे आपको सेट ओरिएंटेशन एक एपीके है, अगर आपके पास है तो ऑप्शन स्किप कर देना, नहीं है इसे आप देख सकते हैं कि मैंने कर रखा है वो डाउनलोड सेट ओरिएंटेशन एपीके, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आपको कैसे करना होगा मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा इसमें। तो आपको अपने गूगल पे लिखना होगा ना, आप सर्च करोगे तब आपको लिखना होगा सेट ओरिएंटेशन एपीके, बस आप इतना ही लिख दोगे। पहले लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। तो आपको मैं दिखा दूँ जूम करके कि मैंने क्या लिख रखा है, सेट ओरिएंटेशन एपीके आपके सामने जो मैंने लिख रखा है, आई होप आपको विजिबल होगा। तो पहला लिंक आपको क्लिक करना होगा। तो जब आप अपने फर्स्ट लिंक को ओपन करोगे तो आपको कुछ सा इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। तो डाउनलोड एपीके वाले पे क्लिक कर देना माउस की हेल्प से। इस रिमोट में, मतलब इस ऐप में दोस्तों इनबिल्ट माउस मिल जाता है, तो आप उससे भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तब ऊपर टच करोगे, क्लिक करोगे सॉरी, तो आपको पता चल जाएगा मेरा डाउनलोड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर भी 0% दिखा रहा है, तो मैं इसे कट कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो आपको फिर इसे डाउनलोड करना होगा, इस तरह से आपका शो होने लग जाएगा अपनी एंड्रॉइड टीवी में। तो आप इंस्टॉल कर लेना होगा। देन वैसे भी आपको जब पता है कि मैंने इंस्टॉल कर रखा है पहले से, तो मैं आपको दिखाता हूँ इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है आपको। तो मेरे को अभी सेटिंग से खोलना पड़ेगा ये, तो मैं सेटिंग में जाता हूँ अपनी। सेटिंग में जाके, ऐप्स में जाके, सी ऑल ऐप्स और शो सिस्टम ऐप पे क्लिक करके आपको सबसे नीचे आ जाना होगा। अल्फाबेटिकली ये अरेंज होते हैं, तो आपको सेट ओरिएंटेशन जहाँ पे आ रहा होगा या ऐस आ रहा होगा वहाँ पे चले जाना है। तब उसे ओपन करोगे तो आपको ना शुरू में क्या दिखाएगा, डिसेबल लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है ना, इसको क्लिक करके जो बगल वाला जो ऑप्शन है, एरो है, उस पर जाके लैंडस्केप पे कर देना। तो इससे क्या है ना, आपकी जो जियो टीवी खड़ा खड़ा आता था, अब हॉरिजेंटली आएगा। पहले वर्टिकली आता था जैसे कि आपको पता है, तो अब हॉरिजेंटल आएगा, जिससे आप अच्छी तरह से देख सकोगे। तो दोस्तों, इस अगर मुझसे यार मेरे चैनल से नॉलेज मिलती है कुछ बढ़िया, तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। और जियो टीवी का जो एपीके का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जो मैंने जियो टीवी का लिंक डाल रखा है, वहाँ से सीधा आप डाउनलोड कर सकते हो, या मैं ऐप ही डाल दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट शेयर कर देना अपनी एंड्रॉइड टीवी में सैंड फालू टीवी की मदद से। दोस्तों, ये तो आई होप कि आपको करना आता होगा। अगर नहीं आता दोस्तों, एक बार मुझे ज़रूर बता देना, ताकि मैं ये ऑप्शन भी अपने वीडियो में डाल दूँ, ताकि हर एक छोटा बंदा, मतलब जो बिगनर्स हैं, वो भी सीख पाए मेरी वीडियो के थ्रू से। एंड उसके बाद आपको एक और ऐप इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर से, जिसका नाम है FX फाइल एक्सप्लोरर।
तो जैसे हमने दोनों ऐप कर रखे थे इंस्टॉल, तो रिसेंट पे जाके आपने देखा वहाँ से आपको करना है, और जियो टी वी का मैंने लिंक दे रखा है, आपको बता दिया मैंने, उसके बाद आपको इंस्टॉल कर लेना होगा इसको सिंपली। तो इंस्टॉल मैंने कर लिया दोस्तों, फिर से मैं जाऊँगा अपनी सेटिंग में, एंड सेटिंग में जाने के बाद ऐप्स में जाना होगा आपको, और ऐप्स में जाने के बाद सो ऑल ऐप्स ऑन सो सिस्टम ऐप्स पे जाके, तो मैं बता दूँ ना, अगर आपने अगर यूज़ नहीं किया होगा ये ऐप जियो टी वी, तो आपका नीचे आएगा सबसे अल्फाबेटिकली नीचे आएगा, एंड देन अगर आपने इसे यूज किया तो ऊपर आएगा। तो मैंने यार यूज कर रखा है तो इसीलिए ऊपर आ रहा है, तो आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ पर मिलेगा। तो सो सिस्टम ऐप पर जाके आपको नीचे की तरफ जहाँ पर जे आता हो वहाँ पर चले जाना, आपको मिल जाएगा प्रॉपरली। तो मैं जाता हूँ सीधा ऊपर, क्योंकि मेरा ऊपर आ रहा है, तो इसे ओपन कर लेना है। दोस्तों इस वाले ऐप में आपको कोई भी अपनी ईमेल आईडी, सॉरी मतलब यूज़र नेम और जो उसकी जियो आईडी होती है वो डालने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको अपना फ़ोन नंबर जाना है डालना है, जो जियो का फ़ोन नंबर हो वो डालना है, और उसके बाद ओटीपी आ जाएगा, एंड देन उसके बाद आप इसे चला सकोगे अच्छे से। दोस्तों मेरे पास भी जियो की सिम नहीं थी, मैंने किसी रिलेटिव से अपना एक ओटीपी मंगवा लिया। दोस्तों ऐसे ही काम चलाते रहते हैं हम, अगर आपके पास भी अगर ऐसा कुछ हो तो कर लेना, या दोस्त यार आप किसी ना किसी के पास जियो की सिम होगी, ऐसा तो है नहीं है कि आपके पास जियो की सिम होना हो, किसी ना किसी के पास ज़रूर जियो की सिम होती है दोस्तों। कि आपको इस तरह के कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं इसमें, जैसे टीवी गाइड, सोज स्पोर्ट और दर्शन के ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों, काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन आ चुके हैं, क्योंकि अब की बार इसमें मूवी का ऑप्शन भी ऐड किया गया, और गेम्स का ऑप्शन भी ऐड किया गया है, और जियो सावन पे आपको वैसे ही मिल जाती हैं म्यूज़िक की कुछ चीज़ें। तो मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल के लिए आपको चला के दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि ये ऐप कितना वर्कफुल है, और बफरिंग का प्रॉब्लम दोस्तों नहीं आने वाएगा, क्योंकि ऐप जो मैं लिंक दे रहा हूँ ये न्यूली अपडेटेड ऐप है। तो मैं अभी आप चैनल देख सकते हैं सोर्स पे जाके, आप तब स्क्रॉल करोगे थोड़ा तो आपको यहाँ पे इस तरह इस टाइप के चैनल मिल जाएंगे जो भी आपको देखना है, एंड देन उसके बाद उसको चूज़ करके आप प्ले कर सकोगे। तो मैं अभी एनटीवी को प्ले करके दिखाऊंगा दोस्तों। सो मैं यार आपको एनटीवी चला के दिखाता हूँ एग्ज़ाम्पल के लिए, तो जो कैसे चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं बाबूजी घर पर आ रहा है और काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, जबकि मेरे पास एयरटेल की सिम है दोस्तों, उनमें उसके नेट से अभी टीवी कनेक्ट कर रखी है और काफ़ी सही वर्क कर रहा है। तो आपको सिर्फ सेटिंग में जाके अगर आपकी कैसी भी क्वालिटी आपको चाहिए वो आप कर सकते हो, जो पोज के नीचे पोज प्ले का बटन है उसी के नीचे आपको सेटिंग्स ऑप्शन मिलता है, इससे आप कर सकोगे। जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ, ऑटो बना रख के जब इस पर क्लिक करोगे तो अपने आप आ जाता है ये, तो लो पे भी करके आप देख सकते हैं, और करीब करीब मेरे अकॉर्डिंग ये 4 घंटे चला जाता है, चला सकते हो आप 1.5 GB नेट में लो क्वालिटी में 4 से 5 घंटे। आप वैसे भी रेगुलर टीवी कोई नहीं देखता है अपना भी, वो भी प्रीमियम ऐप्स का मतलब सॉरी चैनल्स का आपको वो मिल जाता है जिससे आप अच्छी तरह से चला सकोगे।